इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम CO2 का बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है देखिएगा, तो कार्बन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो श्योर है इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है तो 2 और 4 हुआ, ऑक्सीजन का 8 है तो 2 और 6 हुआ। तो फिर यहाँ वही बात है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन कम है, तो कार्बन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। तो एक ऑक्सीजन अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो 6 देखिए वैलेंस है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो श्योर है कि पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ कार्बन हमारे पास है, तो 1 2 3 4 कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और कितने ऑक्सीजन हमारे पास, 2 ऑक्सीजन। तो ये बॉन्डिंग जब बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखिए कार्बन जो है और ये ऑक्सीजन है, तो 8 पूरा करने के लिए ऑक्सीजन अपना अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग में तो कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये 2 दे दिया तो ऑक्सीजन के पास बचा कितना, 1 2 3 4, एक और ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग के लिए देगा तो कार्बन भी अपना शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देगा। तो 2 2 हो गया, तो अब ऑक्सीजन के पास कितना बचा, 1 2 3 4। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये रहा ऑक्सीजन का 4 4 8, यहाँ इस ऑक्सीजन का 4 4 8 पूरा हो गया, और यहाँ देखिए कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। यानी कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना, C डबल बॉन्ड O जो कि बनाया CO2। ये रहा CO2 का फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।